अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी कोकोनानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप करती हूँ आप सब लोग भी ठीक होंगे, अपने घरों में खुश होंगे। तो अच्छा जी, आज मैं आपके लिए लाई हूँ ज़फ़रानी वाइटनिंग क्रीम, जो कि बहुत ही अच्छी है और आप रीज़नेबल प्राइस में बना सकते हैं। और इसका रिज़ल्ट आपको 7 डेज के अंदर ही मिल जाएगा। और आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना होगा, मैं आपको साथ साथ क्रीमें भी बताऊँगी और उनका बताऊँगी कि इसका किस तरह रिज़ल्ट आ गया। और आपने मिक्सिंग भी देखनी है, वरना आप मिक्स जिस तरह करेंगे उस तरह भी आप सही मिक्स नहीं करेंगे तो आपकी क्रीम का कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अभी हम क्रीम की तरफ जाने से पहले आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना है। तो अभी हम चलते हैं क्रीम की तरफ। तो अच्छा जी, सबसे पहले ये है मेरे पास गोल्डन पर्ल, आप देख लें। अगर आप ये सिंपल लगाना चाहें सिंपल भी लगा सकते हैं, इसके अंदर आप वाइटनिंग सीरम ले सकते हैं जेनसंस का, वो भी डाल सकते हैं। अच्छा जी, जो मेरे पास सेकंड क्रीम है वो है संदर, ये भी आपके फेस पे काफ़ी वाइटनिंग का काम करती है और आपकी स्किन को बहुत अच्छा करती है। और उसके बाद है मेरे पास ऑक्सी ग्लो, ये इतनी अच्छी क्रीम है, आप इसे सिंपल भी लगाएंगे इसके साथ आपको बहुत ज़्यादा वाइटनिंग मिलेगी। तो अभी मैं मिक्स क्रीम बना रही हूँ तो इसलिए मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ कि आप इसे सिंपल भी लगा सकते हैं, इसके अंदर भी आप सीरम मिला सकते हैं। और उसके बाद मेरे पास है ब्यूटी क्रीम, जो कि डर्मा की है, ये बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज करती है, उसके अलावा आपके स्कार्स को और जो हमारे ब्लैक स्पॉट होते हैं और उसके अलावा पिगमेंटेशन होती है वो सारी रिमूव करती है, ये बहुत ही अच्छा इफेक्ट देती है आपकी स्किन पर। और उसके बाद मेरे पास है ये फेस फ्रेश का सीरम, जो कि बहुत ही अच्छा है। और उसके बाद मेरे पास है आर्ची और वाइटनिंग कैप्सूल और मेरे पास है ज़ाफ़रान। और मैं अभी आपको इसका मिक्स करने का तरीका बताऊंगी, आपने पूरी वीडियो को आराम से देखना है कि मैं किस तरह मिक्स कर रही हूँ। तो अभी हम अपनी चलते हैं मिक्सिंग की तरफ। अच्छा जी, सबसे पहले आपने इस तरह का बाउल लेना है, मैं इसके अंदर डाल रही हूँ डर्मा क्लीन की क्रीम। आपने पहले सबसे पहले जो हार्ड क्रीमें होंगी उन्हें अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप सारी एक साथ मिक्स करेंगे क्रीम को तो आपकी जो क्रीम होगी वो गुठलियों की तरह बन जाएगी। आपने इसे बिल्कुल फाइन क्रीम बनानी है। ये देखिए, मैंने इस तरह से डाल लिया, अब मैं इसे करूँगी अच्छे से मिक्स। तो अच्छा जी, ये देखें, ये मेरी मिक्स हो गई है। अब मैं जो सेकंड क्रीम है वो ले रही हूँ गोल्डन पर्ल। अच्छा, मैं उस क्रीम के साथ मिक्स नहीं कर रही, मैं इसे ज़रा साइड पे मिक्स करूँगी। ये देखें, ये थोड़ी सी हार्ड है, इसके अंदर ये देखें गुठलियाँ बनी हुई हैं, तो आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप सारी क्रीमों को इसी तरह से डाल देंगे और आपकी क्रीम बहुत ही अच्छे से मिक्स नहीं हुई तो उसका फ़ायदा नहीं होता। तो अच्छा जी, अब मैं ले रही हूँ ऑक्सीग्लो क्रीम, इसे भी एक साइड पर ले रही हूँ। मैं करूँगी इसे मिक्स। अच्छा, ये उस तरह से हार्ड नहीं है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट है, तो बस ये इतनी से ही मिक्स हो गई है। अब मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ संदल क्रीम। अच्छा, ये देखें, ये भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी, इसी क्रिस्टल से। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आर्ची।
अच्छा मैंने इसके अंदर दो आर्चियां डालूंगी, आपने भी दो आर्चियां डालनी है। आर्ची थोड़ी सी हार्ड होती है, इसे आप अच्छे से मिक्स करनी है। तो अच्छा जी, आपके पास ये जो आप सारी क्रीम है, इसे आपने अच्छे से सबको मिक्स करना है। अच्छा जी देखिए, मेरी क्रीम बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गई है, बहुत ही फाइन है। और मैं इसकी कंसिस्टेंसी ज़्यादा सॉफ्ट करने के लिए और वाइटनिंग और ज़्यादा देने के लिए, इसके अंदर जो फेस फ्रेश का हमारा सीरम था वो आपने इस तरह से पूरा ऐड कर देना है। अच्छा जी, इसके अंदर ये फेस फ्रेश का सीरम मैंने ऐड किया, और ये मेरे पास है ऑक्सीग्लो का सीरम, मैं इसे भी ऐड करूँगी। और मेरे पास ये है विटामिन के कैप्सूल, जो कि फिश की तरह है, बहुत ही खूबसूरत से। इसके अंदर ये मैं डाल रही हूँ तीन। इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं, ये देखिए इस तरह के वाइटनिंग कैप्सूल होते हैं, और अपने इसे इस तरह से ऐड कर देना है। और हम अब इसे करेंगे अच्छे से मिक्स। इसे आपने बहुत ही अच्छे से मिक्स करना है। देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही स्मूथ बनी है। और इसके अंदर देखें, अब मैं सेकंड लास्ट जो स्टेप है वो है ज़ाफ़रान। इसके अंदर ज़ाफ़रान ऐड करूँगी, मेरे पास ओरिजिनल ज़ाफ़रान है, तो आपने ओरिजिनल ही ज़ाफ़रान लेना है। ज़ाफ़रान के साथ बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आएगा। ज़ाफ़रान को भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छा जी, ये देखें, ये जो मेरी क्रीम है वो अच्छे से मिक्स हो गई थी, और इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी सॉफ्ट है, आप देख सकते हैं। तो अच्छा जी, आपने इसे 7 डेज लगाएंगे तो आपको एक बहुत ही अच्छा इफेक्ट मिलेगा, और इसे आप रेगुलर यूज़ करेंगे तो आप वाकई कहेंगे कि ये बहुत ही अच्छी क्रीम है। आपने जिस तरह मैंने आपको बताया आपने उसी तरह से मिक्स करनी है। होप करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सी हैंड फिट ज़ाफ़रानी क्रीम भी लेके आने वाली हूँ, तो आपने इसे यूज़ करना है, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है। तो अभी मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करूँगी, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।